ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति बप्पा मोरिया सर, आज नए घर में गणपति स्थापित किए हैं, कितने एक्साइटेड हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बप्पा, यू नो हमेशा ही जब से मुंबई में शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक हमेशा बप्पा मार्गदर्शन करते आए हैं और नए घर में बप्पा का आगमन हुआ है। सो आई होप कि जैसा आशीर्वाद इतने सालों से बना के रखा है वैसे ही बना रहे और बप्पा हमेशा गाइड करते रहें जिस रास्ते पर चले हैं। क्या बात है, हर साल की तरह इस साल क्या गुड विशेस रही हैं आपका? गणपति बप्पा से कुछ बताना चाहेंगे, नए घर में आ गए हैं और क्या कुछ प्लान है? वही है कि यू नो लोगों से जुड़े रहें, जो बप्पा करवा रहे हैं लोगों के लिए वो करवाता रहूं, और इस बार इस साल फतेह भी आ रही है तो वो एक बड़ी स्पेशल सफ़र रहेगा। तो बप्पा से यही कहूंगा कि फतेह की फतेह ज़रूर हो, और जब जनवरी में आए तो अगले साल जब हम वापस हमारी मुलाकात हो अगले साल जब हमारी वापस मुलाकात हो तो उस समय मे भी हम लोग अगली फतेह टू की तैयारी कर रहे हों। क्या बात है सर, ये भी जानना चाहूँगी जिस तरीके से मैंने एंट्री से लेके स्थापना तक देखा, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और एक एक चीज़ें रखे, उनका किस तरीके का मोमेंट रहा इसमें बताना चाहें? नो मैं ये कहूँगा कि हमेशा पापा को जब भी घर पे लेके आते हैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट रहती है, और इतने सालों से हम लोगों ने भी मेड श्योर की पापा के समय सिर्फ बप्पा का ही समय होना चाहिए, उस समय ट्रैवलिंग ना हो, शूटिंग्स ना हो, और हमेशा ऐसा होता रहा है इतने सालों से, 23 सालों से ऐसे होता रहा है, और सबकी घर में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, इनफैक्ट बच्चों की भी उतनी एक्साइटमेंट रहती है, और अच्छी बात यह है कि अभी वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे। कितने दिन के लिए पापा को स्थापना किया गया है? हम लोग 5 दिन के लिए होते हैं पापा। या कोई फेवरेट मुझे लगता है कि गणपति की आरती जो जय गणेश है वो सबकी हमारी फेवरेट है, और जितनी हमने अगर हम फिल्म्स की बात करें जिस दुनिया को हम लोग बिलोंग करते हैं, सो मुझे बचपन से यू नो जो टक्कर फिल्म आई थी बड़े साल पहले, पता नहीं कितने लोग भी जानते हैं, उसके अंदर एक गाना था जो बड़ा फेवरेट है कि बप्पा के ऊपर ही था, पर मैं हमेशा एक चीज़ देखी कि बप्पा की ब्लेसिंग जिस भी फिल्म में होती है गाने की हमेशा वो हिट ही होती है, ब्लॉकबस्टर होती है। सो आई फील कि बप्पा जिस फिल्म में चरण रखते हैं, जिस घर में चरण रखते हैं, हमेशा उसमें बरकत होती है। सर जैसे कि पप्पा जब भी घर में आते हैं तो हमारे करीबी रिलेटिव एंड फ्रेंड भी इनवाइटेड रहते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उन कौन बॉलीवुड से गुड बुक में लिस्ट है? देखियो आप सब लोग हो, आपसे बेहतर कोई दोस्त नहीं है, आप लोग हमेशा आते हो, हमेशा इस यू नो सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हो। सो वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, सबको दिल से बहुत पप्पा की तरफ से बहुत बहुत यू नो दुआएं मिले आप सबको, और आप ही परिवार हो, और जब भी आप आते हो हमेशा खुशियां लेकर ही आते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर ये पास मुझे ये बाजू एंगल नहीं मिलेगा, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे चलो, और पीछे चलो, थोड़ा और पीछे हो जाओ, चलो पीछे चलो, हां सर थोड़ा पीछे चलो, चलते हैं, अच्छा थोड़ा और पीछे हो, हां बिल्कुल।
देखिए
पाजी सामने पाजी इतने